फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेटीएम वॉलेट में मनी मतलब अपने रुपये लोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद माय पासबुक पे क्लिक करेंगे। माय पासबुक पे क्लिक करने के बाद अगर अपना पैटर्न अपने रख रखा हो तो उसको अनलॉक करेंगे। जैसे ये मेरा पैटर्न है, तो अभी मेरे वॉलेट में 0.16 रुपये हैं, तो मैं इसमें लोड करूँगा। तो उसके लिए ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करूँगा। मैं पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को पूछेगा कि आप कितना रुपया ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मैं 50 रुपये ऐड करना चाहता हूँ मेरे वॉलेट में। उसके बाद मैं 50 लेके डन कर दूंगा। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड मनी पे क्लिक करूंगा। तो ये कुछ प्रोसेस बताएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें आप किस बैंक के थ्रू या फिर किस कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको पूछेगा। तो जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये मेरे सारे कार्ड ऐड हैं, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग एक क्रेडिट कार्ड दूसरा है उसके अकॉर्डिंग मैं पैसे ऐड करूँगा। तो मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर, मंथ और CCV नंबर यहाँ पे डालूँगा और पे सिक्योरली पे क्लिक करूँगा। पे सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद मुझे ये कुछ इंटरफेस दिखा और मेरे कुछ OTP आ गए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डालूँगा OTP। तो 5137 34 ये मैंने मेरे OTP डाल दिए हैं। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुली बता देगा कि आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड हो गया हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे पेटीएम, फ़ोनपे और अमेजोन के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के सारे मेथड हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। और ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने, तो आप उन्हें भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। ये वीडियो देखो, ये ट्रांजेक्शन फुल हो गया है। उसके बाद हो सके तो आपको स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा, उसमें शायद आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, लेकिन मेरे को शायद ये नहीं मिलेगा। देखिए, थैंक यू। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।